इतना इतना टेक्निकली मैंने आज तक कहीं नहीं बात किया, मतलब टू मेक एनीबडी क्लिक ऑन योर थंबनेल इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। यदि उसके बाद आपकी वीडियो नहीं चल रही है ना, तो सरासर आपकी गलती है। और ये बड़ा ट्रेड सीक्रेट है, ये आपके चैनल में पहली बार में बताने वाला हूं, मैंने आज तक कहीं नहीं बताया। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हमारे साथ में मनीष भाई है, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को मेंटर करते हैं और उनको हेल्प करते हैं उनका चैनल ग्रो करने के लिए। और आज वो हमारे चैनल पे हमारे साथ है, मैंने सारी बातें उनसे खुलवा ली है। बहुत कुछ उन्होंने बताया है यूट्यूब के बारे में, कैसे कॉन्टेंट सोचते हैं, कैसे उस कॉन्टेंट को एनालाइज करते हैं, कैसे उस कॉन्टेंट को पैकेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ में बताई है। पेड कोर्स के बराबर ये वीडियो है, एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं मनीष भाई से। थैंक यू साहिल भाई, आपने इनवाइट किया मुझे और मैं आपका चैनल देखते रहता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। मैंने अंकुर वाली वीडियो देखी है, सुप्रिया वाली वीडियो देखी है, रितेश सर वाली देखी है। तो बेसिकली साहिल भाई, एक्चुअली आई वॉन्टेड टू थैंक यू फॉर पुटिंग सच अमेजिंग कॉन्टेंट ऑन इंटरनेट। लोगों को ये पता नहीं होता है कि कितनी मशक्कत होती है टू फाइंड आउट द कॉन्टेंट द वे यू डू। पहले तो बिजनेसेस को ढूंढो, उनके फाउंडर्स को ढूंढो, फाउंडर्स को ईमेल करो, ईमेल करने के बाद फॉलो अप करो, फॉलो अप करने के बाद उनसे रिकॉर्ड की परमिशन लो, फिर उनके पीआर टीम से परमिशन लो, फिर उसको एडिट करो, यूट्यूब पे डालो। इतना लंबा प्रोसेस होता है और फिर यू नो ऑडियंस तक जाता है। सो मैं आप तो ये कभी नहीं कहोगे, इसलिए मैं आपके ऑडियंस को ये बताना चाहता था कि आप कितनी मेहनत करते हो टू ब्रिंग वन इंटरव्यू या वन वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दैट हार्ड वर्क सेल्फलेसली। और आप उस वीडियो को डालते हो और जहां तक मुझे पता है आपकी वीडियो ब्रांडेड नहीं होती एंड ऑल ऑफ दैट। सो मतलब दिस इज लाइक अ सेल्फलेस सर्विस दैट यू आर डूइंग टू ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ ऑन इंटरनेट। आई हाईली थिंक दैट एवरीबॉडी शुड वॉच, ज्यादा से ज्यादा देखो। ऐसे कंटेंट देख के आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, आप एक इनकम ब्रैकेट से निकल के अगले इनकम ब्रैकेट में जा सकते हो। दिस एक्चुअली हेल्प्स इन नेशन बिल्डिंग इन सम और द अदर वे। सो साहिल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दैट यू डू एंड आई हाईली अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट यू डूइंग। थैंक यू। पहली बात तो मुझे बहुत खुशी है कि आजकल इतने ज्यादा लोग कॉन्टेंट क्रिएशन करना चाह रहे हैं, राइट? आजकल मैं ट्विटर स्पेसेस पे जाता हूँ या मैं इंस्टाग्राम लाइव वगैरह पे जाता हूँ, तो सब लोग मेरे को यही सवाल पूछते हैं कि मनीष सर सैचुरेट हो गया है, बहुत लोग कॉन्टेंट बना रहे हैं, किसका कंटेंट कौन देखेगा, सारे लोग कंटेंट ही बना रहे तो देखेगा कौन। मैं मुस्कुराता हूँ, मैं बोला कुछ नहीं हुआ। इसको ना नंबर से ब्रेक डाउन करते हैं। हम लोग साइलोज में जीना हमको बहुत पसंद है, राइट? तो पहली बात मैं नंबर बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे देश में अभी डायनेमिक्स क्या है। अराउंड 550 मिलियन लोग इंटरनेट रोज यूज कर रहे हैं, राइट? मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे कि अराउंड 230 मिलियन पीपल आर वॉचिंग यूट्यूब एवरी डे ऑलमोस्ट, राइट? हमारे कंट्री का जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइब चैनल होगा वो कितना होगा, मान लो 100 मिलियन होगा, राइट? तो यार कहां सैचुरेशन, क्या बात कर रहे हो आप, राइट? और ईच डे नए लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, नए लोग नई चीज डिस्कवर कर रहे हैं, नया लोग जो है कि इस इकोसिस्टम में पहली बार उनकी एंट्री हो रही है, और ये अगले 10 15 20 साल तक होते रहेगा। तो आप सैचुरेशन की तो बात मत करो पहली बार, राइट? हो क्या रहा है कि आपने 25 ऐसे लोगों को फॉलो कर रखा है जो आपकी तरह कंटेंट बनाते हैं और आप उनका कंटेंट देखते हो, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन वो आपके माइंडसेट में बैठ जाता है, अरे ये भी बना रहा है, 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 तो मैं भी क्यों बनाऊं। मैं तो कह रहा हूं आई वॉन्ट एटलीस्ट हर महीने 1000-2000 नए कंटेंट क्रिएटर आने चाहिए, तब जाके डिमांड सप्लाई पूरा हो सकता है। डिमांड बहुत है, सप्लाई नहीं है। और एज एन ऑडियंस मैं बता रहा हूं, जब मैं खुद ऑडियंस होता हूं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी कंटेंट प्लेटफॉर्म पे, मुझे खुद को नहीं पता होता है कि मुझे क्या देखना है। आई डोंट नो, बस मुझे ये पता होता है कि अच्छा मैं इधर उधर के कॉन्टेंट नहीं देखूंगा, मुझे जो है कि वो कॉन्टेंट देखूंगा जो मेरी जिंदगी में वैल्यू एड करे, राइट? तो अब मैं वैल्यू एड करेगा तो मैं क्या देखूंगा, या तो मैं स्पॉटिफाई पे यदि हूं तो पॉडकास्ट सुन लूंगा, या मैं यूट्यूब पे हूं थोड़ा विजुअल पॉडकास्ट देखना है तो मैंने रणवीर की पॉडकास्ट देख ली, मैंने अंकुर सर का वॉइस सुन लिया, मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज देख ली, तो मतलब इस टाइप के कॉन्टेंट मैंने देख लिया, राइट? थोड़े दिन के बाद मुझे ना पैटर्न आपका जो है कि एक टाइप का लगेगा। तो मी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर आई वुड लाइक टू फाइंड समथिंग न्यू, और जैसे ही मुझे कुछ नया मिलेगा मैं उसको देखना शुरू कर दूंगा, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं देखूंगा जो मैं देख रहा था ऑलरेडी, बिकॉज आई हैव मैरिनेटेड माइसेल्फ ओवर इट। मतलब मैंने अपने आप को आपके कंटेंट की लाइकिंग बढ़ाने के लिए अपने आप को समय दिया है, तो ये सारा का सारा कंटेंट चलेगा। और यदि मैं नहीं देखूंगा साहिल भाई, तो कोई जो नया ग्रेजुएट होके आया है, मतलब मैंने ऐसे ग्रेजुएट इंटरनेट पे ग्रेजुएट होके आया है, वो आपकी कंटेंट को जरूर देखेगा ना, तो वो साइकिल चलते रहेगा। अब बात ये है कि टेक्निकली जो लोग इंटरनेट पे है वहां पे कंटेंट पहुंचाना कैसे, राइट? वहां पे होड़ है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू अ प्री कॉन्टेक्स्ट ऑन कंटेंट मेकिंग। नाउ लेट अस जंप ऑन द
मेन क्वेश्चन विच यू आस्क्ड कि कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे बनाए, राइट? सो कंटेंट स्ट्रेटजी इज एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म गेम. आप कभी भी जो स्ट्रेटजी बनाते हो वो एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए बनाते हो. आप एक स्ट्रेटजी को एटलीस्ट 6 months फॉलो करो. मतलब 180 दिन की स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए. लेट अस टेक यूट्यूब एज एग्जांपल. यूट्यूब पहले एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म था, अब शॉर्ट फॉर्म भी हो गया बिकॉज ऑफ शॉर्ट्स, राइट? लेकिन फॉर वन इंस्टेंस शॉर्ट्स को अलग रखते हैं. आई पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ शॉर्ट्स, राइट? बट यस, व्यूज आ रहे हैं एंड एवरीथिंग, पीपल आर पुटिंग इट, सब कुछ हो रहा है. लेट अस कंसीडर एनी वीडियो विद अ लेंथ ऑफ 20 मिनट्स एवरेज. मान लेते हैं यदि आप YouTube पे जितने भी वीडियोस पढ़े उनका एवरेज निकालोगे तो अराउंड 20 मिनट का एवरेज निकलेगा, राइट? 20 मिनट वीडियो टू 3 वीडियो अ मंथ, दैट मींस 60 मिनट ऑफ कंटेंट इन 30 डेज. मतलब पर डे 2 मिनट एवरेज आपका आ रहा है, राइट? इस तरीके से आपको सोचनी पड़ेगी कि मैं ऐसे ही कौन से टॉपिक्स को चुनूं जिसपे मैं हर वीडियो एवरेज 20 मिनट का बना सकूं, राइट? नाउ वो वीडियो कॉमेडी हो सकता है, वो वीडियो इंटेलेक्चुअल इंडीज जैसे जो है कि ब्रेन स्पा वाली वीडियोस हो सकती है, थिंक स्कूल जैसे वीडियो हो सकती है, रणवीर का पॉडकास्ट हो सकता है जो लंबा है, एवरेज लेंगे. जैसे आपके पॉडकास्ट भी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के होते हैं, राइट? उसको एवरेज लेंगे तो उस टाइम पीरियड पे हम लोग पहुंचेंगे, राइट? और उस तरीके से जो है कि कॉन्टेंट को हमको विजुअलाइज करके उस तरीके से टॉपिक चुनना चाहिए, राइट? इसके बाद कॉन्टेंट यूट्यूब पे डालने से पहले मेरा ये मानना है यदि आप नए कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके पास 60 डेज का बैकअप एनी टाइम होना चाहिए. मतलब यदि आप 3 वीडियो पर वीक डाल रहे हो तो आपके महीने को हो गए 12 वीडियो, राइट? 4 into 3 12 वीडियोस, मतलब 2 महीने आपका वीडियो हो गए 24. तो मैं ये कहूंगा यदि आप कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना तो पहले 24 वीडियो को रेडी कर दो, देन यू पुट योर फर्स्ट वीडियो, राइट? एंड देन यू कंटिन्यू कि जैसे ही आपका एक महीने का कंटेंट खत्म होने वाला है आप सेकंड मंथ का कंटेंट बनाना शुरू कर दो. दैट मींस इससे क्या होगा, आपके पास बफर में एनी टाइम 1 month का कंटेंट होगा ताकि एज अ कंटेंट क्रिएटर यू आर नॉट इन अ प्रेशर कि अच्छा अगले हफ्ते क्या डालूं, अगला वीडियो नहीं है मेरे पास, राइट? दिस इज हाउ यू स्ट्रेटेजाइज योर कंटेंट स्ट्रेटेजी. उसके बाद पैकेजिंग की स्ट्रेटेजी अलग होगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजी अलग होगी, उसके बाद डेसिमिनेशन की स्ट्रेटेजी अलग होगी, ये अलग 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 चीजें होती है, राइट? अब पैकेजिंग के बारे में बता रहे हो, पैकेजिंग कैसे करनी है? सो पैकेजिंग में हम यूट्यूब को यदि स्पेसिफिकली ले तो देर आर 4 थिंग्स दैट कम इन पिक्चर, राइट? एक आपका थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आप वीडियो टैग्स जो आप डालते हो, एसईओ टैग्स जो वीडियो टैग्स आप डालते हो, राइट? सो थंबनेल बनाते समय आपको ना ये जानना बहुत जरूरी है कि आप डेफिनेशन समझो कि थंबनेल का मतलब क्या है. यदि आप गूगल करोगे व्हाट इज थंबनेल तो गूगल एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दे रहा है थंबनेल का, विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीडियो कंटेंट इन अ पिक्टोरियल और टेक्सचुअल मैनर, राइट? ये उसका, अब आप देख रहे हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीडियो इन अ पिक्टोरियल और टेक्सचुअल मैनर, मतलब आपके पूरे वीडियो का रिप्रेजेंटेशन जस्ट इन अ पिक्चर विद सम टेक्स्ट और जस्ट बाय पिक्चर, राइट? तो आपको लोगों को ये बताना है कि इस वीडियो के अंदर क्या है. हियर इज वेयर योर क्रिएटिविटी कम्स इन प्लेस कि कितने अच्छे से आप ये दर्शा पाओ कि आपके वीडियो के अंदर है क्या. बट आई वुड से कि साइकोलॉजिकली आप सोचो कि आप ऑडियंस को बताना क्या चाहते हो, ऐसा क्या बताओगे जिससे ऑडियंस क्लिक करेगी. अच्छा, एक बड़ा अब्यूज टर्म है जो हम यूज करते हैं, क्लिक बेट, राइट? कि आपने कुछ ऐसे सनसनीखेज चीज दिखा दी यार, लिख दिया जिससे लोग क्लिक करेंगे, राइट? That is not an ideal way of going about it. Reason, लोगों के साथ धोखा हो गया ना, ह्यूमन बींग्स है ना, दिल बड़ा जल्दी टूटता है. और यदि दिल टूट गया, रूट गया ना साहिल भाई, तो आपके वापस नहीं आएंगे. बोलेंगे यार ये इसने मेरा काट लिया, मैं नहीं क्लिक कर रहा इसके वीडियो को वापस, राइट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑथेंटिक कि आप इंटेलिजेंटली स्मार्टली खेलो. आप फियर से खेलो, आप एक्सक्लेमेशन से खेलो, आप खुशी से खेलो, आप दुख से खेलो, आप यू नो ऑल दैट इमोशंस के साथ आप खेलो, बट आप वही पिक्चर में दिखाओ या टेक्स्ट में लिखो जो आपके वीडियो के अंदर है, राइट? सनसनीखेज ना बनाओ, राइट? तो दिस इज हाउ यू डिसाइड ऑन थंबनेल. जब आप टाइटल लिखते हो तो टाइटल लिखते समय आपको 100 कैरेक्टर तक का लिमिट होता है, राइट? अब उसमें से आपके चैनल का जो ब्रांड नेम है वो एक कीवर्ड होना चाहिए जरूर. मैं रिवर्स बता रहा हूं आपको, ठीक है? पीछे से आगे बता रहा हूं. एक वो होना चाहिए. दूसरा, आपका यदि वीडियो हिंदी में है तो आप उसमें हिंदी टैग जरूर डालिए, वर्ड हिंदी वीडियो, या यदि इंग्लिश में है तो डालिए इंग्लिश वीडियो, ऐसा समथिंग.
आपके वीडियो का कोई जॉनरा है कि वो मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, कॉमेडी है, जो भी है, तो वो टैग आप डाल सकते हो, कॉमेडी या कॉमिक या इंटेलेक्चुअल या यू नो समथिंग लाइक दैट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशनल, केस स्टडी, यू नो डिपेंडिंग कि किस तरीके का आपका है. एंड देन 4 से 5 कैरेक्टर में उस वीडियो का कॉन्टेंट, कि उस वीडियो में किसके बारे में बात किया. फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा लाइफ लेसन्स केस स्टडी, राइट? आपने स्लाइड बार दिया केस स्टडी, स्लाइड बार दिया इंटेलेक्चुअल इंडीज, राइट? या डिपेंड करेगा साहिल खन्ना का सर्च वर्ड ज्यादा है या इंटेलेक्चुअल इंडीज का ज्यादा है. जिसका वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, हम वो कीवर्ड वहां पर डालें, राइट? डिस्क्रिप्शन लिखते समय आपको डिस्क्रिप्शन को 3 हिस्से में बांटना चाहिए टेक्निकली. फर्स्ट हिस्सा जो है आपका होना चाहिए, यदि आपने इंस्टाग्राम का वहां पे लिंक डाल दो या आपके कोई और चीज का लिंक डाल दो, तो वो आप कॉल टू एक्शन पहले दे दो. आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दैट वीडियो? आपको स्कोर्स को सब्सक्राइब करवाना है, या आपको किसी और जगह पे अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो आप, या फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे आप लोगों को भेजना चाहते हो, तो वो दे दो. दूसरी बात, हाँ, सबसे ऊपर डाल दो, ठीक है? बिकॉज वो कॉल टू एक्शन है आपका, सीटीए आपका वो है, राइट? जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आप उस वीडियो में क्या है वो डालो, कि वी हैव डिस्कस्ड सो एंड सो थिंग ऑन द वीडियो. लेट्स से रतन टाटा जीज केस स्टडी, वी हैव डिस्कस्ड यू नो हिज 50 इयर्स ऑफ हिज वर्क एंड दिस एंड दैट, व्हाटएवर, थोड़ा समरी आपने बना के डाल दिया. थर्ड पार्ट ऑफ द एसईओ में अबाउट योर चैनल होना चाहिए, अबाउट और योर चैनल इन शॉर्ट, कि इंटेलेक्चुअल इंडियंस इज अ चैनल रन बाय साहिल खन्ना, डन ओवर 500 वीडियोस, सो मेनी व्यूज, वी डू सो कॉन्टेंट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, राइट? वो आपने डाल दी. उसके बाद आप चाहो तो आप किसी प्लेलिस्ट का एक लिंक भी डाल सकते हो, टू आवर टॉप वीडियोस आर प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है? ये हो गया. उसके बाद जो आप वीडियो के टैग्स डालते हो, जो एसईओ टैग्स कोई बोलते हैं, कोई इसको वीडियो टैग्स बोलते हैं, सबको अलग अलग चीज बोलता है, ठीक है? वीडियो टैग्स को आप जो है कि वहां बहुत इंटेलिजेंटली खेलना है आपको. पहली बात, वहां पे 500 वर्ड्स की लिमिट है आपके पास, वहां पे 500 वर्ड्स तक आप डाल सकते हो. तो 500 वर्ड्स को आप कैसे डिवाइड करोगे, मैं ये कहता हूं, और इसका कोई ऐसे रूल बुक नहीं है, ये मेरा हाइपोथेसिस है ऑफ लास्ट 6-7 इयर्स ऑफ यू नो वर्किंग क्लोजली विद सो मेनी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स, विद जो स्टॉक्स, और हमने सब कुछ देखा है. जो स्टॉक्स में मैंने देव से, हमारा रचित, वेदांत, इवन शोभित, हम लोगों ने बहुत माथा पुच्छे करी, हमने बहुत सीखा है एक दूसरे से, राइट? तो बेसिकली वहां पे मेरे हिसाब से इसको 500 डिवाइड बाय 3 कर दो, जो भी नंबर आया. तो पहला लेयर जो है, वो पहला लेयर आप अपने ब्रांड के टैग्स डालो, जैसे इंटेलेक्चुअल इंडीज टॉप वीडियो, इंटेलेक्चुअल इंडीज केस स्टडी वीडियो, इंटेलेक्चुअल इंडीज साहिल खन्ना वीडियोस, ऐसे डाल दिया आपने, ठीक है? सेकेंड लेयर जो है, उस व्यक्ति के या उस सब्जेक्ट के बारे में डालिए जिसके बारे में आपने वीडियो बनाया, जैसे रतन टाटा केस स्टडी, रतन टाटा लाइफ, रतन टाटा मोटिवेशन, रतन टाटा इंस्पिरेशन, रतन टाटा दिस दैट, ठीक है? और या तो जो भी टाटा जी के बारे में जो भी सबसे टॉप कीवर्ड है, वो कीवर्ड आप ऑब्वियसली ट्यूब बड़ी से या विडाईक्यू से या सोशल ब्लेड से देख के आप डालो. अब ये थर्ड लेयर जो है ना, ये सबसे स्मार्ट है, बिकॉज ये थर्ड लेयर आपके वीडियोस पे रिकमेंडेड सेक्शन से और सजेस्टेड सेक्शन से व्यूज लेके आएगा. थर्ड लेयर में क्या करो, और ये बड़ा ट्रेड सीक्रेट है, ये आपके चैनल में पहली बार में बताने वाला हूं, मैंने आज तक कहीं नहीं बताई, ठीक है? ये जो थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर में व्हाट यू विल डू इज, आपकी तरह जो वीडियो बनाते हैं ना, जैसे थिंक स्कूल आपकी तरह वीडियो बनाता है, मान लेते हैं, तो थिंक स्कूल ने यदि इलॉन मस्क की केस स्टडी करी है, तो इट इज कंप्लीटली ओके टू पुट इलॉन मस्क केस स्टडी थिंक स्कूल. कुछ नहीं है, आई मीन सारे लोग को करना चाहिए ये. मैं बताऊं, यदि सारे लोग कर रहे हो ना, तो एक दूसरे को सपोर्ट पड़ेगा इससे. आप एक्सटर्नली नहीं लिख रहे हो ना, तो वीडियो टैग है, ये ऑडियंस को नहीं दिखता है, ये तो बैकएंड में होता है, इट्स अ बैकएंड थिंग, राइट? इससे क्या होगा, इससे आपको जो है, जब इलॉन मस्क की कोई वीडियो लेट अस से गणेश ने थिंक स्कूल पे बनाई है और वो देख रहा है, कोई देख रहा है, तो उसको सजेस्टेड में ये भी आएगा कि एक वीडियो इंटेलेक्चुअल इंडिज ने भी बनाई है ऑन इलॉन मस्क, आप वो भी देख लो, उसमें नया पर्सपेक्टिव हो सकता है. तो एज एन ऑडियंस उसको तो वैल्यू एड मिलेगा ना, नया वीडियो, नया पर्सपेक्टिव, बिकॉज आपने तो थिंक स्कूल की वीडियो तो कॉपी नहीं करी, कि आपने सेम टू सेम तो नहीं बोला, आपने अलग चीज बताया. और इलॉन मस्क के लाइफ में या रतन टाटा के लाइफ में इतनी चीजें हैं बताने के लिए, हो सकता है उसने टेस्ला की केस स्टडी करी हो सकता है आपने स्पेस एक्स की केस स्टडी करी हो, यू नो, राइट? सो उस तरीके से इस चीज को हम एक पैकेजिंग में कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ यू पैकेज अ यूट्यूब वीडियो. ठीक है, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे एग्जांपल के लिए किसी थिंक स्कूल ने ही कोलाबोर के ऊपर वीडियो बना रखी है, अब मैं गया उसके टैग्स पे,
उसके टैग से वो टैग उठा के डालने मुझे जो 1/3 पार्ट है या नहीं, 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 नहीं ऐसे नहीं करना ठीक है। आप YouTube पे सर्च करो थिंकफुल कोला और देखो क्या क्या वीडियो टैग्स आ रहे हैं, कौन से सर्च कीवर्ड्स आ रहे हैं ठीक है। उस सर्च कीवर्ड को आपने पहले ट्यूबबडी पे या VidIQ पे उसकी सर्च वॉल्यूम देखनी है ठीक है। सर्च वॉल्यूम में देखनी है कितनी ट्रैफिक लेके आ रहा है वो, एंड देन वो देन यू हैव टू यूज दैट। उसके बाद क्या करें, अब मान लो सबसे पहले मैंने कंटेंट स्ट्रेटजी बना ली है, उसके बाद पैकेजिंग कर ली है, अब पैकेजिंग करने के बाद में मुझे इसको लाइव करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, अब क्या करूं? तो अब लाइव करने से पहले बिकॉज आपने 50-60-100 वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं तो आपके चैनल का एक पैटर्न बन गया है राइट। तो चैनल का एनालिटिक्स आपको सजेस्ट करता है बेस्ट डे टू अपलोड एंड बेस्ट टाइम टू अपलोड। वो आप देखोगे कि जो डार्क ब्लू वायलेट कलर में बैंड्स बन के आते हैं चैनल पे एनालिटिक्स में आप देखोगे तो जहां पे सबसे डार्केस्ट बैंड्स बनते हैं ना वो आपका बेस्ट टाइम टू अपलोड होता है। तो आपको वो मैप करके उस दिन पे उस टाइम पे फिर आपको वीडियो लाइव करनी चाहिए। या लंबा वीडियो है यदि आपका, जैसे एक घंटे का आपका वीडियो होता है, आपको प्रीमियर पे लगा सकते हो कि हम प्रीमियर कर दें उसको ठीक है, ताकि लोग रिमाइंडर लगा सकें कि जो है कि इस टाइम पे इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्री की वीडियो आने वाली है और हमें देखनी है राइट। सो देन दे कैन प्रीमियर इट। प्रीमियर से फिर क्या होता है, इट रन्स लाइक अ मूवी, सो इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वे ऑफ वॉचिंग इट। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, हम देखते हैं कि जब वीडियो बंदा शूट करता है उसके बाद जो उसकी एडिटिंग होती है, एडिटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, कि बहुत हेविली एडिट करना चाहिए, जैसे विवेक बिंद्रा को देखते हैं वो एनिमेटेड वीडियोस डालते हैं 3D रेंडर्ड कर रहा है, वर्सेस अगर हम जो स्टॉक की बात करके चलते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं होता है। हाँ, वर्सेस अगर हम वारी पूंजी को देखते हैं तो वहां पे ज्यादा जरा टैक्स वैक्स हो जाता है। रणवीर को अगर हम देखते हैं तो कई बार वो स्टॉक वीडियोस पे यूज करते हैं, तो आइडियली क्या करना चाहिए या कुछ बेटर नहीं करता? साहिल इसका ना बहुत सब्जेक्टिव आंसर है, इट इज अबाउट कि आप क्या सर्व करना चाहते हो अपने ऑडियंस को राइट। विवेक बिंद्रा जी जब आते हैं तो उनके वीडियो में एक बहुत खतरनाक एनर्जी होती है, लाइक यू फील लाइक आज हाय इंसान, वो पहले आपको झकझोर देते हैं, देखो जिंदगी में ये करो वो करो ऐसे वैसे, तो ऐसा लगता है अरे भाई कुर्सी बैठ जाओ भाई कुछ अच्छा आने वाला है राइट। दिस इज द एनर्जी दैट यू गेट फ्रॉम दैट मैन है ना, एंड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल वीडियोस ही मेक, यू नो गॉड ब्लेस हिम, बहुत अच्छा कॉन्टेंट वो डालते हैं राइट। तो एक एक उनका अपना ऑरा है और वो केस स्टडी बेस्ड चीजें करते हैं राइट। तो वो उसमें एनिमेशन लाके वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक एक गिमिक है वो, and so when I say gimmick in a good way, it is like a tool to grab attention right। so unki team hai wo saksham hai aur over the time unhone same cheez kiya to unka brand waisa ban gaya hai ki aap neend mein bhi dekhoge koi animation video chal raha hai aur koi ekdam energy wala aawaz chal raha hai, matlab Vivek Bindra ka video, you know bada business aapke dimag mein chal jata hai right। jo stocks ka format talk ka hai isliye wo sirf talk hota hai kyunki usme focus us insaan pe और उसके कहानी पे, उस पूरे वीडियो का एक ही हीरो है, वो हीरो है उस इंसान का कहानी जो उस वीडियो में बोल रहा है राइट। दैट इज व्हाई द फॉर्मेट इज डिफरेंट एंड पर्पस डिफरेंट। तो इस वीडियो की बात करके चलते हैं तो इसमें हम सिखा रहे हैं, ये एजुकेशनल वीडियो है। हाँ, तो अभी इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि इसमें भी फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा थोड़ा ग्राफिक्स यूज कर सकते हो, जैसे आप अपने वीडियो का ट्रीटमेंट एक्चुअली अंकुर के वीडियो का जैसा कर सकते हो है ना, थोड़ा सा उसको ग्राफिकल एलिमेंट रख के, थोड़ा सा जो है कि टेक्स्ट लाके, कि जैसे मैंने थंबनेल के बारे में बात करो तो आपने लिख दिया अबाउट थंबनेल, मनीष टॉकिंग अबाउट थंबनेल राइट। तो लोगों का अटेंशन ग्रैब रहेगा कि अच्छा मनीष भाई थंबनेल के बारे में बात करें, ध्यान देकर सुनते राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रिटेंशन की बात करी तो जैसे आपने रिटेंशन लिख दिया और रिटेंशन को डिफाइन कर दिया कि रिटेंशन का मतलब ये होता है राइट। सो उस तरीके से इट हेल्प्स। आइडियली हमको बहुत ज्यादा एनिमेशन करने की जरूरत नहीं है, लाइट एनिमेशन भी काम चल सकता है राइट। और अगर हम कुछ स्टोरी रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं तो हम अगर बंदे के ऊपर ज्यादा फोकस करें तो बेटर रहेगा। करेक्ट करेक्ट, मेक सेंस ठीक है। तो मेरा एक कंसेप्ट है मिनिमम वायरल वीडियो, जैसे MVP होता है ना प्रोडक्ट के अंदर, जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वैसे मैंने कहीं पर पढ़ा था मिनिमम वायरल वीडियो, मतलब स्टार्टिंग के अंदर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको कोशिश करना चाहिए वीडियो बनाने के ऊपर, ना कि ग्राफिक्स लगाने हैं, स्टॉक वीडियो लगानी है, एनिमेशन लगाना है। तो आपका इसके के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा ना मेरा आप आई थिंक आई विल अलाइन विद यू, मेरा पॉइंट ये है कि जो पर्पस है ना उस पर्टिकुलर कंटेंट का, वो पर्पस आप दिखाओ ऑडियंस को पहले। आप ड्रामा ना करो, भूमिका मत बांधो, जरूरी नहीं है
ऑडियंस जो है वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है आपके थंबनेल से, वो अंदर आ गई आ चुकी है, उसको आप मीट ऑफ द कंटेंट दो सीधा। यदि किसी ने थंबनेल को क्लिक करके आपके वीडियो के अंदर आ गया तो आपने ना 50% वॉर जीत लिया। 50% ऑफ योर वॉर इज वन कि इंसान आपके वीडियो पे क्लिक कर चुका है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बाय द वे, टू मेक एनीबडी क्लिक ऑन योर थंबनेल इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। यदि उसके बाद आपकी वीडियो नहीं चल रही है ना तो सरासर आपकी गलती है, यू आर अ क्रिमिनल। मतलब when I say criminal, I mean in a laughable way, कि मतलब आपकी गलती है कि आपने गुमराह कर दिया ऑडियंस को, आपने जिस चीज के लिए वो अंदर आया था वो दिया नहीं। राइट, सो यू हैव टू थिंक दैट वे एंड देन यू डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वीडियो, राइट, इसमें ना वो ये सब करके टाइम वेस्ट मत करोगे, मनीष भाई ये मनीष भाई वो, नहीं। आज हम मनीष भाई से बात कर रहे हैं, मनीष भाई जो स्टॉक्स में काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स का काम कर सकते हैं, आज हम सीखने वाले हैं यूट्यूब के बारे में। खत्म, सीधा, जस्ट कम टू द पॉइंट एंड सीधा स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि ओके, जैसे हमने आज किया, राइट, सो दिस इज हाउ यू शुड कीप द ओपनिंग एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम जॉनरा टू जॉनरा, राइट, कि कॉमेडी है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, यू नो इंफोटेनमेंट है उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, केस स्टडी है उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, टॉक है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, पॉडकास्ट है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, डिस्कशन वीडियो है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, इंटरव्यू है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, राइट, दैट इज हाउ यू ट्रीट द वीडियो। ऑल्सो लैंग्वेज में भी फर्क पड़ता है कि मतलब यदि आप पूरी वीडियो इंग्लिश में रख रहे हो तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, हिंदी इंग्लिश में है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, हिंदी में तो अलग, रीजनल लैंग्वेज तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, बिकॉज रीजनल लैंग्वेज का अपना अपना एक लहजा है, डायलेक्ट बेस्ड है तो उसका एक अपना लहजा है, राइट, तो पहले उस लहजा से, फॉर एग्जाम्पल जैसे हरियाणवी में हम वीडियो शूट कर रहे होते तो पहले बोलते राम राम, राइट, बिकॉज दिस इज हाउ पीपल रिलेट टू द ओपनिंग एंड ऑल ऑफ दैट, राइट, सो वो एक एक फ्लेवर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं एक और थोड़ा सा पिक्चर रिकॉर्ड करूं, अगर मुझे टॉपिक सिलेक्ट करना है वीडियो बनाने के लिए तो दो रास्ते है। एक रास्ता है जैसे अभी मैंने अपनी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाई, ठीक है, मुझे जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि मेरे को थंबनेल में समझ में नहीं आता, मुझे टाइटल समझ में नहीं आता, मुझे लगता है कि मैं कॉन्टेंट अच्छा बना रहा हूँ और मेरे को एनालिटिक्स भी दिखा रहा है कि अच्छा बन रहा है, पर जो रीच आनी चाहिए मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, तो इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया, मैंने कहा भाई आप बताओ यार गाइड करो मुझे, तो ये तो मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। प्लस ये जो अभी हम बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों की कमेंट आती है इसके रिगार्डिंग, तो इसके ऊपर बना लिया, तो एक तो टॉपिक ये निकल के आता है जो ऑडियंस कह रही है, क्योंकि मेरा चैनल बढ़ चुका है तो मेरे पास ऑडियंस से आ रहे हैं, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है या फिर किसी के पास ऑडियंस से रेलेवेंट टॉपिक्स नहीं आ रहे तो उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको कीवर्ड रिसर्च करके टॉपिक्स ढूंढने चाहिए या ट्रेंडिंग टॉपिक्स उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे को ना साहिल भाई इस पे ना मेरा बड़ा एक अलग सा टेक है, राइट, मेरे को ये लगता है आपको यदि उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है ना तो आपको हक नहीं है उस पर वीडियो बनाने का। तो आप अपने आप के अंदर झांक के देखिए कि क्या जिस टॉपिक को आप उठा रहे हो आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के बता रहे हो या आपको एक्चुअली उसमें नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे आज इतने कॉन्फिडेंटली यदि थंबनेल टाइटल और इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूं इज बिकॉज आई स्पेंट 5-6 इयर्स ऑन दिस। मतलब मैंने कम से कम 10,000 थंबनेल देखे होंगे, मैंने कम से कम 10,000 वीडियो देखे होंगे, मैंने कम से कम 10,000 टाइटल पढ़े होंगे, मैंने कम से कम 10,000 डिस्क्रिप्शन लिखने में मदद करी होंगी, राइट, तब मैं इतने कॉन्फिडेंटली आके बोल सकता हूँ, राइट। अच्छा, मैं ये जो बोल रहा हूँ कल जाके इसका नियम बदल भी सकता है, क्योंकि यदि एंड ऑफ द डे हम कौन है, हम कठपुतली, हम प्लेटफॉर्म के इशारों पर खेलते हैं एंड ऑफ द डे, राइट। कल को प्लेटफॉर्म यूट्यूब के टीम ने कुछ डिसाइड किया कि हमने ऐसा नहीं ऐसा चेंज कर देना है, राइट, तो हमें उसके हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो साहिल भाई टॉपिक चुनना एक टोटली, अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉमेडी ले लो, तो कॉमेडी में तो वो बंदा मेहनत कर रहा है, स्क्रिप्ट लिख रहा है, एक एक जॉनरा उठा रहा है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंस उठा रहा है, व्यंग कर रहा है, तो उसका अलग सीन है। जो इंफोटेनमेंट, जो ज्ञानबाजी वाली वीडियो होती है ना, जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बढ़ना चाहिए, कोई नहीं, बट माय पॉइंट इज आप ना प्रिपेयर हो क्या हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से साहिल खन्ना ने वीडियो बना दी ऑन टाइम मैनेजमेंट, और साहिल खन्ना की पर्सनल जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट 12 बजे, साहिल खन्ना को कोई हक नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट वीडियो बनाए। फिर साहिल खन्ना एक अंकुर वारिको को लेके आए जो टाइम मैनेजमेंट के बादशाह हैं, जो हम सबको पता है, और उनसे बुलवाए कि भैया आप सिखाओ टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, आपका दिनचर्या बताओ, राइट। सो मुझे लगता है कि साहिल भाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑथेंटिक। रीजन, जनता, ऑडियंस, YouTube viewers, जो भी आप बोल लो, they are very smart,
और उनको ये पता चलता है कि कब आप सच बोल रहे हो और कब आप उनका उल्लू काट। मैं यहाँ पे एग्जांपल से पूछना चाहूंगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर लोग अभी नहीं जानते और किसी एक्स वाई जेड को बंदे को उसके बारे में नॉलेज है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वीडियो की पैकेजिंग कैसे करनी है, लाइव कैसे करना, सब कुछ कैसे करना, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। अब मैं अगर वीडियो बनाऊं कि अपने प्रोडक्ट का एमवीपी कैसे बना सकते हैं, लॉजिकली उसकी अभी उतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं है, लोग उसको सर्च भी नहीं मारते, पर मुझे उसके बारे में नॉलेज है, तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? तो आपको अंकुर जी ने जैसे कोर्स बनाया वैसे कोर्स बना के बेचना चाहिए दोस्त, पैसे कमाना उससे। ठीक है, अगर आपकी बात है, आई टेल यू सीधी बात है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही पिन पॉइंट नॉलेज है, राइट, बहुत ही सिंसियर कॉन्टेंट है। लेट्स से आपने 20, 25, 30, 50 प्रोडक्ट के एमवीपी बनाए, इसलिए आपको वो नॉलेज है, राइट? तो आप इस कंटेंट को आप यूट्यूब पे डालोगे तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो ये सब नहीं ढूंढ रहे, दे आर रीडिंग इट इन द ब्लॉग्स, दे आर रीडिंग इट इन सम, या तो वो YC के चैनल पे जाके देखेंगे, या वो एंटलर के चैनल पे जाके देखेंगे, या वो मतलब किसी ऐसे नवल के चैनल पे जाके देखेंगे, या रायन हूवर के चैनल पे जाके देखेंगे, राइट, गैरी वी के चैनल पे जाके देखेंगे। तो ये बड़ा नीश कॉन्टेंट है, हमारी कंट्री आज रेडी नहीं है उसके लिए। अच्छा, होना जरूर चाहिए, और यदि आप ये कंटेंट डाल रहे हो ना साई भाई, तो व्यूज के लिए मत डालो, ये आप श्रद्धा भाव और अपने जो एक अच्छे अच्छे भाव से डाल दो, और उसको जो ट्रैवल होगा जितना जितना देखा जाएगा वो देखा जाएगा। मेरे 2017 एंड में डिजिटल मार्केटिंग प्री कोर्स टाइप से किया था यूट्यूब, उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के सिर्फ पेड कोर्सेज हुआ करते थे इंस्टीट्यूट से, जो कि बहुत ज्यादा होते, और यूट्यूब पे कुछ नहीं था, एक नील पटेल ही दिखाई देते थे, और नील पटेल जी इंडिया में जस्ट आ रहे थे, कैसे रहे थे, मतलब उन्होंने क्या किया, हैवीली मार्केट किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, वो जब भी किसी कंट्री में एंटर करते हैं तो वहां पे हैवीली मार्केट करते हैं, पहले ऐड चलाते हैं, ऐड चलाने के बाद में जब ऑडियंस बन जाती है उनके चैनल की, फिर वो दूसरी कंट्री को टारगेट करते हैं। तो वो 2017 के एंड की बात है, 2018 की स्टार्टिंग की बात है, उस टाइम पे वो आ रहे थे, तो यूट्यूब पे कुछ नहीं था। तो जब मैंने वीडियोस डालनी शुरू करी तो मेरा अगर चैनल एवरेज 5,000 व्यूज का था, तो उस वीडियो पे 500-600 व्यूज आते थे, क्योंकि लोगों को देखना ही नहीं था, पर आज बहुत सारी वीडियोस मिलियन छू रही है। अब लोगों को पता चल गया कि चलो डिजिटल मार्केटिंग करके पैसे थोड़े से बन सकते हैं, या एक करियर ऑप्शन है ये। यदि आप कोई नए सब्जेक्ट पे वीडियो डाल रहे हो ना साहिल भाई, तो आपको श्रद्धा भाव और समर्पण से ही डालना पड़ेगा, और वो कब ग्रो होगा फिर आपको नहीं पता, जब उसकी जरूरत ऑडियंस को लगेगी तब आके देखेगी, राइट? इसलिए तो आप देखोगे ना कि किसी एंटरटेनमेंट बेस्ड चैनल का या सॉन्ग बेस्ड चैनल का सब्सक्रिप्शन बहुत ऊपर चले जाता है, एंड देन जो आपकी चैनल हो गई थिंक स्कूल हो गया, या रणवीर का पॉडकास्ट हो गया, या वारिको साहब का चैनल हो गया, उसका ग्रोथ उतना ज्यादा फास्ट नहीं होता जितना ज्यादा एक कॉमेडी या गेमिंग या मतलब कोई कोई एंटरटेनमेंट बेस्ड चीजों का होता है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज, बिकॉज आज भी हमारे कंट्री में ना यूट्यूब को लोग एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देख रहे, स्कूल नहीं देख रहे, है ना? जैसे कैसा होता है, अब आपको मैं कंपैरिजन बताता हूँ, स्कूल, हम जब स्कूल जाते थे तो हमारा गेम्स पीरियड एक होता था ना, एक वन गेम्स पीरियड इन वन वीक, कि उस पर्टिकुलर पीरियड में 40 मिनट जाके क्रिकेट आप खेल लोगे, बैडमिंटन खेल लोगे, टेबल टेनिस खेल लोगे, राइट? स्कूल का मकसद क्या होता था, पढ़ाई, 5 डेज 6 डेज हम जा रहे हैं हमारी पढ़ाई, राइट? यूट्यूब पे लोगों का साइकोलॉजी ये है कि यार थोड़ा सा रिलैक्स होने, एंटरटेन करने, वीडियो देखने, गाने सुनने, ऐसे हम आ रहे हैं। अब आया है नया ट्रेंड कि भैया सीख भी सकते हैं आप, तो रिवर्स चल रहा है, तो थोड़ा सा साइकोलॉजी बदलते बदलते आदत लगते लगते समय लगे, तो आप कुर्सी की पीटी बांध के बैठो। मतलब आइडियली अगर आपको कुछ चेंजिंग टॉपिक्स बनाने हैं जिससे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जोश से सुप्रिया से मेरी बात हुई थी, उनका भी गोल यही था इम्पैक्ट लेके आना, मेरा भी जनरल गोल तो यही है इम्पैक्ट लेके आना मेरी लिस्ट के अंदर, पर मुझे लगता है कि इम्पैक्ट लाने वाले लोग जो चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उतने ज्यादा नहीं है, तो होंगे वो ना विद टाइम आएंगे। मैं आपको बताता हूँ, आप खाना तभी खाते हो ना जब आपको भूख लगती है, शायद लोगों को भूख नहीं लगी अभी, जिस दिन लगेगी वो ढूंढ के आएंगे खाना खा पे, है ना? तो इसका मैंने हैक सोचा था, मुझे नहीं पता, आप सजेस्ट करो कि करना चाहिए, और ये सबके लिए बात चल रही है मेरी एडवाइस, मतलब किसी ने फाउंडर फिल्टर देखा तो उसको पता होगा मैं अपने क्वेश्चन पूछता हूँ, और उससे आपका भी भला हो जाता है। तो
मैंने इसके लिए सोचा है कि मैं वो सीरीज निकालूंगा, पहले उसका दबा के प्रमोशन करूंगा, प्रमोशन इन द सेंस ऑर्गेनिकली सबको बता दूंगा कि यार एक सीरीज आ रही है, इस दिन से शुरू हो रही है। पर उसमें एक छोटा सा रूल रखूंगा कि वीडियो लाइव होगी, लाइव होने के 48 आवर्स के बाद में मेंबर्स ओनली हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, 48 आवर्स ट्रैक्शन जितनी आनी होगी जिनको फ्री का देखना है वो आ जाएंगे, उसके बाद में अनबी कर लूंगा टिकटॉक। हां, इट इज अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी राइट, कि आपने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई कि मतलब मैं अपने वीडियो का एक्सक्लूसिव रखना चाहता हूँ और जितने लोग सिंसियर हैं वो आए, वो देखें, उनका स्वागत है, और जो लोग इस टाइम फ्रेम में नहीं आए उससे मिस आउट हो गए राइट, या उनको फिर से वेबसाइट पे जाके एक सर्टन अमाउंट पे करके फिर देखना है बिकॉज कॉन्टेंट एक्सक्लूसिव हो गया राइट। इट्स टोटली फेयर साहिल भाई, इट इज टोटली फेयर टू डू दिस वे, मतलब इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि आपका मेहनत है, आपका कॉन्टेंट है, आप इस पे खर्च कर रहे हो पैसे बनाने के लिए, आप अपना टाइम दे रहे हो, तो कंट्रोल टोटली आपका होता है कि यू नो आप किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहो। जी, अब मैं वापसी हमारे टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं। अब मैंने वीडियो लाइव कर दी है, अब क्या करूं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं? कि दिस इज व्हाई यू नीड टू मेक योर कम्युनिटी, कम्युनिटी बिल्डिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अब कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे होगी, जो आपके सब्सक्राइबर्स है वो आपकी कम्युनिटी है, आप कम्युनिटी पेज पे उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, आप उन्हीं सब्सक्राइबर को टेलीग्राम चैनल पे लेके आ सकते हो, व्हाट्सएप का एक अपना नेटवर्क बना सकते हो, या न्यूज़लेटर हो सकता है आपका राइट। सो अलग अलग कम्युनिटी, आपका इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी बन सकता है, आप ट्विटर पे कम्युनिटी बना सकते हो, और फिर उस वीडियो को अलग अलग तरीके से, अलग अलग जॉनर से, अलग अलग उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के जिस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए उस ट्रीटमेंट से वहां पे धीरे 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 डेसिमिनेट करते हो, एंड यू लेट योर ऑडियंस नो कि भाई ये पर्टिकुलर वीडियो इंटेलेक्चुअल इंडिया स्टाइल है, इसका सब्जेक्ट ये है, आपको अच्छा लगेगा, आपको देखना चाहिए, दिस इज हाउ यू प्लान इट आउट राइट। बट ये अभी कहते हुए से बहुत आसान लग रहा है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो आप यदि कंटेंट मेकिंग के फील्ड में आए हो तो आप तभी उतरना जब आपके पास कम से कम 1000 डेज का पेशेंस हो। 1000 डेज का पेशेंस यदि है तो ही आप कंटेंट में उतरो, अदरवाइज आप मत उतरो। 1000 डेज 300 वीडियोस, आपकी असली ग्रोथ तब डिफाइन होगी जब आप 300 आपका 300वां वीडियो आप डालोगे ना, जिस दिन उस दिन आपकी ग्रोथ डिफाइन होगी कि आप कहां जा रहे हो। यदि आपने 300 वीडियो नहीं डाले ना तो आप कंटेंट फील्ड में आए नहीं हो, आप मस्ती कर रहे हो। कि 300 वीडियो डालने के बाद आपके चैनल यदि ग्रो नहीं कर रही है तब यू इनवाइट मी, आई विल असेस, आई विल चेक, आई विल हेल्प, एंड आई विल हेल्प फॉर फ्री, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। बट 300 वीडियो तक आप ये मत बोलो कि सर ग्रो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं, 1000 दिन दो आप, 1000 दिन के बाद यदि नहीं हो रहा है देन प्लीज टॉक टू मी, एंड मेरे से बहुत लोग है मतलब दे विल हेल्प यू, है ना। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि 1000 दिन आप एक ही चीज करो और आप ग्रो ना करो, हो ही नहीं सकता ऐसा, 100% ग्रो करोगे आप। 300 वीडियो डालना का मतलब वही मैं आपको बता रहा हूँ, 300 वीडियो इंटू 20 मिनट से एवरेज पकड़ लो, कितना हो गया, 6000 मिनट। 6000 मिनट का कंटेंट बनाने के लिए आप एटलीस्ट 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, मतलब आप सोचो कि 6000 मिनट के कंटेंट बनाने के लिए आप कम से कम, नहीं तो भी आप 25000 आवर खर्च करोगे। यार 25000 आवर का मेहनत के बाद आप बताओ यार आप प्लेन उड़ा सकते हो यार, वीडियो तो क्या बात है, है कि नहीं। 25000 आवर यदि आप प्लेन उड़ाने पे डालते तो उड़ा नहीं दोगे प्लेन, तो वीडियो क्या बात है यार, क्या बात कर रहे हो, वीडियो तो उड़ेगा ही उड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो 25000 घंटे का मेहनत, मतलब लोगों को लगता है ना ओवरनाइट सक्सेस, तो आप देखो मेरी जो मैंने किताब भी करी, अब किताब में हर उस इंसान की जो कहानी है ना उसका कम से कम 7 से 8 साल का मेहनत है। थोड़ा सा बताओगे जिनको नहीं पता? हाँ, बेसिकली तो मैंने रिसेंटली हर्ष पमनानी भाई के साथ मिलकर एक किताब लिखी है विच इज कॉल्ड बूमिंग डिजिटल स्टार्स, और उस किताब में कंट्री के 11 बूमिंग स्टार्स के, डिजिटल स्टार्स के, यूट्यूबर्स के, कॉन्टेंट क्रिएटर्स के कहानियां हैं कि उन्होंने कैसे अपनी कॉन्टेंट जर्नी स्टार्ट करी, वो अपनी जिंदगी में आज कहाँ है, कितने पैसे कमाते हैं, ऑल ऑफ दैट, और क्रिएटर इकोनॉमी पर थोड़ा बहुत टच किया हुआ है, और एक कंटेंट क्रिएटर कैसे अपना करियर बना सकता है उसकी पूरी एक गाइडबुक टाइप है। हमारे पास एक गाइडबुक नहीं होती थी तो वो गाइडबुक टाइप बना के मैंने पब्लिश करी है, तो वो किताब अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आई थिंक स्टोर्स में भी मिल रहा है, हर जगह, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हर जगह स्टोर्स पे मिल रहा है, तो यदि कोई चाहे तो वो ले सकता है। साहिल भाई आप डिस्क्रिप्शन में लिंक विंक डाल देना, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज व्हाट इट इज राइट। तो मैं पॉइंट पे ही आता हूँ, आई मीन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द बुक मच, पॉइंट पे आता हूँ कि फॉर एग्जांपल सबसे यंग बंदा जो उस बुक में कवर्ड है उसका नाम है उज्जवल, वो एक गेमिंग चैनल चलाता है, ठीक है, उसके भी 5 साल की मेहनत है,
He's 19. He's I think 19 or 20, right? I mean 20, 20 का हो गया होगा. But he started when he was 16, 17. तो उसकी भी 5 साल की मेहनत है यार. तब जाके वो मतलब whatever 10 million subscriber या जो भी करके बैठा हुआ है. Right? Whatever income he must be making today. Right? So आप सोचो. It's not overnight. अरे वो तो चमक गया. Lockdown में चमक गया. भाई lockdown को 3 साल हो गए. लोग आजकल आप सुन रहे हो ना ये वर्ड लॉकडाउन में चमक गया. लॉकडाउन को 3 साल हो चुके हैं दोस्त. हम थर्ड ईयर ऑफ लॉकडाउन में बैठे हुए. हाउ कैन यू से लॉकडाउन में चमक गया. हाँ ठीक है लॉकडाउन 3 साल का है. दो दिन में कोई नहीं चमकता. 2 महीने में कोई नहीं चमकता. आप अंकुर की कहानी जानते हैं, सारे जानते हैं राइट. वो कब से कॉन्टेंट बना रहे हैं. अब जाके उनका एक वो गोल्डन फेज आया जब उन्होंने जंप मारा, ग्रो किया, बिकॉज उनको सारा कुछ समझ में आया. उनको समझते समझते 5 साल लग गया. मुझे टीम जोड़नी चाहिए, मुझे एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए, मुझे ऑडिट कराना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, मुझे लैंग्वेज चेंज करना चाहिए. मतलब उनको सोचो, उनको अंकुर जैसे बारिकू जी को क्या सजेशन. मैं अर्जुन को नहीं पता, आप उस टाइम पे उनके ग्रोइंग फेज में आप उनके साथ थे, तो क्या क्या सजेशन थे उनके लिए. क्या कुछ नहीं, जो हमने जो स्टॉक्स में हमने इतना दिन करते हुए सीखा था ना, हमने मैंने उनको वही बताया कि सर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके जो आप हिंदी पे आइए, बिकॉज हिंदी का ऑडियंस ज्यादा है. फिर यार वारिको सर अमेजिंग स्पीकर है, क्या ब्यूटीफुल बोलते हैं वो. मैंने बोला ये आपका स्ट्रेंथ है सर, इसको अच्छा से यूज करते हैं. तो वही किया, फिर वही थंबनेल टाइटल ये वो, वीकली डेटा देखना, टीम के साथ काम करना. हमने डिबेट बहुत करते थे हम, अच्छा थंबनेल पे क्या टेक्स्ट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उस तरीके से, कॉन्टेंट क्या क्या होना चाहिए, किस टॉपिक पर बनाना चाहिए. कॉन्टेंट के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करा, टॉपिक के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करा. उस तरीके फिर हमने जीरो डाउन किया कि फाइनेंस का टॉपिक सबसे ज्यादा बढ़िया चल रहा है. थोड़ा सा सेल्फ हेल्प, और बिकॉज अंकुर सर खुद बहुत रीडर है, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो बुक्स करना वगैरह. एंड देन गिव अवे, बहुत स्ट्रेटजी उन्होंने करी, किताबें दी लोगों को, एंड ऑल. एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क, एंड दैट इज हाउ देन चैनल टुक ऑफ. तो मतलब बढ़िया वर्क विद हिम एंड एंटायर वारिक क्रू फॉर लाइक 6-7 मंथ्स. बहुत मजा आया, मैंने भी बहुत सीखा. सो इट वॉज अ गुड टाइम दैट वी वर्क टुगेदर. एंड देन उसके बाद तो ग्रोथ ही ग्रोथ, और रॉकेट रॉकेट टू द मून हो गया उनका. चल रहा है, एंड ही विल रीच अमेजिंग हाइट्स. अभी तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल कर रहे हो. तो उनकी जो ग्रोथ है उसके पीछे उनका कोर्स भी लगता है. उनका चैनल अच्छा था, कंटेंट अच्छा था, उनकी डिलीवरी अच्छी थी, उनके टाइटल थंबनेल्स भी अच्छे थे, पर अगेन उनको रीच नहीं मिल रही थी. तो उन्होंने क्या किया, एक फ्री कोर्स निकाला, मतलब एक कोर्स निकाला जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस में था, उसको मार्केट किया दबा के. और जैसे एग्जांपल के लिए नहीं साहिल भाई ये नहीं है, दिस इज नॉट हाउ इट इज. यूट्यूब जो ग्रो हुआ है वो यूट्यूब के अपने स्ट्रेटजी की वजह से ग्रो हुआ है. देयर वर टू मेनी मिसिंग लिंक्स जो थे, जो मिसिंग लिंक को हमने साथ में मिलकर जोड़ दिया, एंड देन यूट्यूब स्टार्टेड टू. सबसे बड़ा रीजन यूट्यूब को ग्रो होने का ये है कि सर ने लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करे, इंग्लिश से हिंदी में ले आए, या बोलचाल की भाषा में ले आए. तो अभी क्या किया, अभी हमने पहले टॉपिक ढूंढा है, टॉपिक वीडियो बनाई है, उसको एडिट की बात कर ली है, फिर उसको पैकेज कर रहा है, पैकेज करने के बाद उसको स्पेसिफिक टाइम पे पब्लिश किया है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है. हाँ. अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में एक और कंसेप्ट है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपकी टीम से ही सुना है. मतलब बहुत बार कुछ लोग मेरे जान पहचान वाले भी जो आपके साथ काम किया है, तो उन्होंने मेरे को बताया री इंडेक्सिंग. हाँ, मतलब रीटेक्सिंग से पहले ना मैं आऊंगा, ये था पूरा का पूरा क्रेडिट हम अपने टीम के देव को और हर्ष को देंगे. हर्ष ना, हर्ष आज प्रोडक्ट टीम के साथ काम करता है. तो हर्ष वेदांत रचित, मतलब एक हमारी सोशल मीडिया की ऐसी खतरनाक टीम. फिर देव जो हमारे मेरे साथ रिसर्च करता था, अब हेड ऑफ स्टॉक्स है जो स्टॉक्स में. तो ये क्या करते हैं, दीज गाइज दे सेट की डेटा पढ़ते हैं. तो डेटा एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूट्यूब गिव्स यू ऑल काइंड ऑफ डेटा. राइट. आप यदि यूट्यूब का एनालिटिक्स में जाओगे और एडवांस्ड वाले पेज पे जाओगे, तो आपको बहुत सारा डेटा पॉइंट मिलता है कि आपकी वीडियो की व्यूज कहाँ से आई, कैसे आई, कौन से डिवाइस से देखी गई, कौन से ओएस से देखी गई, कौन से रीजन से देखी गई, किस स्पीड में देखी गई, सब कुछ. आई थिंक 20-25 डेटा पॉइंट मिलता है. राइट. तो इन लोगों ने वो डेटा को निकाला और उस डेटा को पढ़ना शुरू किया कि यदि कोई वीडियो डालिए तो 24 घंटे में उसने क्या इंप्रेशन जनरेट किया, उसका CTR क्लिक थ्रू रेट क्या था थंबनेल का, रीच कितनी मिली, अच्छा एवरेज वॉच टाइम कितना आया, लोग देख रहे थे तो ड्रॉप कहाँ से आया, या यू नो कहाँ कहाँ पे ड्रॉप आया. तो उस डेटा पॉइंट को पकड़ा. डेटा पॉइंट आने के बाद वीडियो को वापस देखा,
कि यहाँ पे लोगों ने ड्रॉप क्यों किया, तो यहाँ पे क्या स्पीकर ने हमारे जो स्टॉक के टर्म्स में स्पीकर बोलूंगा बिकॉज स्पीकर होते हैं, क्या यहाँ पे स्पीकर ने कुछ ऐसी बात बोली जो लोगों को मजा नहीं आया, उसे छोड़ के चले गए, या इन्होंने बोर कर दिया, या यहाँ पे मतलब सेम चीज रिपीट कर रहे थे बार बार, तो फिर वो हम कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी में उसको बदलते थे कि भाई अगले वीडियो में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आपने कॉन्टेंट को फिक्स कर दिया, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि कौन से पर्टिकुलर चीज में स्पाइक आया, मतलब क्या चीज बोला वहां पे ऐसा कि लोगों का स्पाइक आ गया, राइट। क्योंकि होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल साहिल भाई साइकोलॉजी देखो आप, ठीक है, ये मैं आपका कोई वीडियो देखा और आपने एक ऐसी बात कही जो मेरे दिल को छू गया, मेरे दिमाग को छू गया, मैं क्या करूंगा, मैं तुरंत उसको फॉरवर्ड करूंगा अपने चार ऐसे दोस्तों को जो मुझे लगता है कि ऐसी वीडियो उनको देखनी चाहिए, राइट। तो वहां पे वो शेयरिंग का स्पाइक आता है कि यहाँ पे वीडियो शेयर हुई, राइट। यहाँ पे साहिल ने वीडियो को स्टॉप करा, शेयर बटन पे गया, क्लिक किया, कॉपी लिंक किया और भेजा व्हाट्सएप पे, नहीं एनालिटिक्स में होता नहीं है, बट एक एक पता चलता है, आप जब डेटा एनालिसिस करोगे ना तो वो दिखता है कि आपकी वीडियो कहाँ पे कितनी स्टॉप थी एंड ऑल, थोड़ा सा डीप स्टडी करनी होती है उसको, राइट। तो फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने कुछ ऐसा बोला होगा जो उस पर्टिकुलर वीडियो का सोल कह सकते हैं उसको, उसकी जान, तो वहां पे आपने कौन सी सेंटेंस यूज करी या कौन सा एनेक्डोट यूज किया, वहां से आप थंबनेल का टेक्स्ट उठा सकते हो, गुड, समझ गए, है ना, कि वहां से आपने थंबनेल का टेक्स्ट उठाया कि ये बंदा ये बोला है, इसने मतलब जान लगा दी वीडियो में, राइट, एंड देन दैट कैन बी योर थंबनेल टेक्स्ट। तो ये क्लिकबेट भी नहीं हुआ क्योंकि आपने वही चीज डाला है जो वीडियो के अंदर है, राइट, स्टेटमेंट डाली है जिस बंदे ने बोला है, बिकॉज जो स्टॉक्स में हम स्टेटमेंट यूज करते हैं, हमारा थंबनेल बनाने का तरीका अलग है, राइट, है ना। और ये ओवर द टाइम इवॉल्व किया है देव ने, हर्ष ने, रचित ने, वेदांत ने, शोभित का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, शोभित हमारा को-फाउंडर बड़ा थिंकर है। सो इसलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट साहिल भाई, वीडियो लाइव होने के बाद 24 आवर्स में क्या हुआ, 48 आवर्स में क्या हुआ, 72 आवर्स में क्या हुआ और 1 वीक में क्या हुआ, वो देखना बहुत जरूरी है। तो आपको एक्सेल शीट मैच करना चाहिए, सारा कंटेंट डेटा पॉइंट लेना चाहिए, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, तो आपको डेटा पॉइंट लेना चाहिए, पहले तो आप डेट डाल दो कौन से डेट पे वीडियो पब्लिश हुई, टाइम डाल दो, उसके बाद 24 आवर्स में कितने व्यू आए, 24 आवर्स में कितने इंप्रेशन आए, 24 आवर में कितने रीच आए, 48 आवर्स में कितने व्यू आए, 48 आवर्स में कितने रीच इंप्रेशन, थंबनेल की सीटीआर क्या थी, सीटीआर 24 घंटे में कितनी थी, अगले 48 घंटे में ड्रॉप हुई, 72 आवर्स में ड्रॉप हुई, ठीक है। और आप पैटर्न देखोगे, यदि इंप्रेशन आपको हाई जाते हुए दिख रहा है तो आप उस वीडियो को मत छोड़ो, मतलब वीडियो ट्रैवल करेगा, यदि इंप्रेशन एक पॉइंट पे जाके आके रुक गया तो थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है साहिल भाई, मतलब ऑडियंस के लिए, बट इंप्रेशन एक पॉइंट पे जाकर रुक गया तो आप उसको रीइंडेक्स कर सकते हो। अब आती है आपकी रीइंडेक्सिंग वाली चीज, राइट। रीइंडेक्स करने का मतलब क्या होता है कि आपने वीडियो देख ली, आपको पता चल गया वो कौन सा पॉइंट था जिसपे आपने ऐसा कुछ कहा था जिससे ऑडियंस को स्पाइक मिला था, तो वो आप थंबनेल के टेक्स्ट पे चेंज कर दोगे, मतलब आप नया थंबनेल अपलोड कर दो और टाइटल को यदि चाहो तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। अच्छा, रीइंडेक्स वीडियो को मैं बोलता हूं, रिकमेंडेड ये है कि एक बार वीडियो अपलोड हो गई 24 घंटे तक उसको छोड़ो मत, डोंट एडिट इट बार 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 बार, फिर वो थोड़ा खराब हो जाता है। आप रीइंडेक्स करो आफ्टर 24 आवर्स और वो भी तब करो जब जरूरत है, यदि वीडियो ग्रो कर रहा है तो मत छेड़ो, यदि स्टैग्नेंट हो गया, ग्रो नहीं कर रहा, आपके एवरेज जो व्यूज आते हैं उससे कम आया हुआ है तो आप उसको रीइंडेक्स करो, फिर एक हफ्ते तक मत छुओ, फॉरगेट अबाउट इट, 1 वीक, बिकॉज वो ऑप्टिमाइज होने में और वो वापस टाइमलाइन ट्रैवल आने में टाइम लगेगा, ठीक है। 1 वीक के बाद आप वापस देखो क्या वो अगले फनल में गया है, क्या उसकी इंप्रेशन बढ़ी है, व्यूज बढ़ा है वगैरह बढ़ा है, यदि क्लाइंब कर रहा है तो फिर रहने दो, और क्लाइंब नहीं कर रहा है तो फिर से आप एक वन राउंड ऑफ रीइंडेक्सिंग दे। और ये क्लाइंब का क्या इंटीग्रेशन मान के चले हम, मतलब हल्का हल्का क्लाइंब तो दिखेगा ना, आपके चैनल का एवरेज इंप्रेशन क्या है, उस एवरेज इंप्रेशन के अराउंड जा रहा है क्या, यदि आपके एवरेज इंप्रेशन के अराउंड जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, तो वो फिर दैट इज हाउ इट काइंड ऑफ वर्क्स, ठीक है। एवरेज के बराबर ही जा रहा है तो पोटेंशियली हमको ऊपर जाने की कोशिश करनी है, यदि एवरेज एकदम एट एवरेज चल रहा है तो आप उसको काइंड ऑफ टच कर सकते हो, काइंड ऑफ थोड़ा सा सॉफ्ट रीइंडेक्स कर सकते हो, मतलब आपने टाइटल में कुछ चीजें चेंज कर दी, वीडियो टैग्स को थोड़ा सा बदल दिया, वीडियो टैग्स को अल्टर कर दिया, राइट, बहुत सारे साहिल भाई ये ना बड़ा टेक्निकल चीज है, आई थिंक यदि इसको करना हो ना तो एक कभी मैं बोलूंगा मास्टर क्लास करते हैं इसके ऊपर, लाइक लेट्स डू इट, विल बी लाइक 4-5 आवर्स का मास्टर क्लास होगा, मैं कुछ बोलूंगा उसके ऊपर आपके पास 10 सवाल आएंगे, राइट, दिस इज हाउ इट विल बी, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट कभी बात करेंगे, जरूर, या जैसा इस वीडियो में रिस्पांस आएगा, पहले तो भाई ये बुक ले लो, मुझे जाकर मेरे को नंबर दिखना चाहिए, मैं अपना एफिलिएट लिंक डालूंगा तो मुझे नंबर दिखेगा कितनी सेल हुई है,
दूसरी चीज, बुक लेने के अलावा अगर इस वीडियो पे अच्छी रीच आती है, आप अच्छी कमेंट्स करते हो, कमेंट करनी जरूरी है, और 5000 लाइक्स आते हैं, ठीक है, 5000 मेरे चैनल पे नॉर्मली नहीं आते, तभी मैं 5000 का टारगेट रख रहा हूँ, 5000 लाइक्स आते हैं तो हम अगला सेशन मास्टर क्लास करेंगे, कर सकते हैं यार, मतलब साहिल भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नॉलेज ही देना है यार, जो नॉलेज मेरा है वो सबका होना चाहिए, सो आई डोंट माइंड, मतलब I am ready. करते हैं कुछ ना कुछ करेंगे, इसके बाद क्या कुछ करना है बंदे को या नहीं करना है, जैसे नहीं, and then this completes a circle, right? This completes a circle. फिर आप अगले वीडियो पे फोकस कीजिए, उसके बाद एक महीने में आप 12 वीडियो डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल यदि आप 3 वीडियो वीक डाल रहे हैं तो 12 वीडियो डालने के बाद जब आप सेकंड मंथ पे जाओगे तो वापस जाके यहाँ पे टॉप फनल, मिडिल फनल थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बॉटम फनल, ऐसे आप वीडियोस को जो है डेटा वाइज सेग्रीगेट करते हो, फिर देखते हो जो बॉटम फनल है उसका जो है पोटेंशियल कितना है, यदि बॉटम फनल का पोटेंशियल है तो फिर से उसको इंडेक्स करते हो, फनल का डेफिनेशन क्या है, टॉप फनल बॉटम फनल, फनल मतलब जो सबसे ज्यादा इंप्रेशन आपकी जनरेट करती है, ठीक है, जिन वीडियोस ने सबसे ज्यादा इंप्रेशन जनरेट किया उसको टॉप फनल कहते हैं, उससे कम जिसने किया उसको मिडिल फनल आप करोगे, और जो सबसे कम किया है तो आप मतलब बेसिकली यू विल डिवाइड, लेट्स से टेक आपके यदि 12 वीडियो है अपने 4-4-4 ऐसे डिवाइड कर दी, 3 सेक्शन, राइट, 4 आप टॉप फनल में डाल दोगे, 4 आप मिडिल फनल, और 4 बॉटम, ठीक है, CTR से उसको फिल्टर कर दोगे, इंप्रेशन से फिल्टर कर दोगे, लड़ो अलग अलग तरीका है टॉप फनल बटन फनल बनाने का, देर कैन बी अ CTR लेड टॉप फनल बटन फनल मिडिल फनल, देर कैन बी एन इंप्रेशन लेड रीच लेड वॉच टाइम लेड, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसके बाद जो टॉप फनल है उनको नहीं छेड़ेंगे, जो बॉटम है उनको क्लिक करेंगे ताकि वो भी राइट मिडिल या टॉप या इतना टेक्निकली मैंने आज तक कहीं नहीं बात किया, मतलब इतना ज्यादा टेक्निकली मैंने पहली बार मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक ऑडियंस को ये देखना चाहिए, और यू नो जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स है उनके उनके लिए तो आई थिंक उनको ये जरूर देखना चाहिए, उनके लिए बहुत काम आएगा, थैंक यू भाई, बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को, थैंक यू भाई, कमेंट में बताना बेस्ट मोमेंट कौन सी लगी आपको टाइम शेयर के साथ में, अगर सही लगा तो रीएनटीसी के टाइम पे आपकी कमेंट को वैसे वरना आप एनालिटिक्स का ध्यान देंगे जैसे भाई ने बताया, पर कमेंट हो सकता है आपकी कमेंट के अंदर अगर आपने अच्छी बात लिखी हो, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूं लिखने के लिए, जो भाई से अभी मेरा जब भी हम अगली बार कनेक्ट करेंगे तो वे कौन से सीखना है, थंबनेल्स में जो लिखते हैं, थंबनेल्स जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, पैकेजिंग के बारे में मैं इसे सीखूंगा, तो अभी हमने डिस्कस इसी बारे में कर रहे थे, वीडियो शूट करने से 1 घंटे पहले हमारी यही डिस्कशन चल रहा था, तो अगर आपने कमेंट में किया तो हो सकता है मैं आपकी कमेंट का ही लिख दूं, और आप बहुत सारे लोग देख रहे हो और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज आएंगे, तो टाइटल में क्या कर सकते हैं, थंबनेल में क्या कर सकते हैं, जो भाई ने बताया बेस्ट मूवमेंट जो भी आपको लग रही उस मूवमेंट के अराउंड कुछ अगर बना सको तो आप लिख सकते हो नीचे कमेंट के अंदर, और अच्छा लगा तो पक्का लगूंगा, गुड साहिल भाई मुझे भी बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सक्षम समझा कि मैं आपसे आके बात कर सकूं, मतलब आई डोंट वांट टू हेजिटेट एंड से आई एम अ बिग फैन, आई लव द कंटेंट दैट यू मेक, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू डू ऑन इंटरनेट, थैंक यू फॉर एडिंग सो मच कंटेंट वैल्यू, मैंने पहले भी कहा था, प्लीज साहिल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें, और इस चैनल को जो है कि कंट्री का वन ऑफ द लीडिंग चैनल्स बनाएं, साहिल भाई ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू भाई, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, बाय, गुड नाइट, शब्बा के, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, और जब भी आप वीडियो